हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगर मैं आज के नुस्खे की बात करूँ तो ये हमारे प्राचीन आयुर्वेदा से लिया हुआ नुस्खा है, यानी वाल्मीकि जी ने खुद इसके बारे में बताया है कि अगर हम पूरी ठंड यानी नवंबर से फरवरी तक अगर इस चीज़ को हम लेते रहें, अपनी डाइट में शामिल करें, तो विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी डाइटिंग, हम इस पूरी सर्दियों में 6 से 7 किलो वजन कम करेंगे बिना किसी उसके। और अगर इसके और बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपके बालों को बहुत अच्छा करेगा, आपके नेल्स को बहुत अच्छा करेगा, आपके स्किन को बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि ये एक क्षारीय चीज़ है और जो हमारे वेट को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, बहुत अच्छे से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। गर्म होता है तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। और सेकंड चीज़, गर्म चीज़ का जो सेकंड बेनिफिट है वो है आपकी बॉडी में चर्बी को भी नहीं जमने देगा। तो ये दो चीज़ हैं और सिर्फ नवंबर से फरवरी तक लेना है। कॉस्टिंग की बात करूँ तो इससे मिनिमम वेट लॉस का कोई जरिया हो ही नहीं सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको। और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा कि आप इसके बेनिफिट्स अगर एक बार खाएंगे तो ज़रूर याद करेंगे आयुर्वेदा को और बोलेंगे कि यस, इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता था, और आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे इस चीज़ को। साथ ही साथ इसे हर कोई ले सकता है, ऐसा नहीं है कि थायराइड पेशेंट, पीसीओडी पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, हर पेशेंट इसे ले सकता है। सबसे अच्छी बात है इस चीज़ की कि ऑसम रिजल्ट देता है और वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो बात कर रही थी वो है काले तिल। आपको एक छोटी चम्मच लेना है। कैसे लेना है वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन इन बीजों की कुछ विशेषताएँ, कुछ अच्छी चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि काले तिल में मोनो अशुद्ध फैटी एसिड पाए जाते हैं जो LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं और आपके जो ब्लड फ्लो है बॉडी में, यानी कि रक्त प्रवाह में HDL के स्तर में वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ यह धमनी रोग और स्ट्रोक की समस्या को शुरुआत में ही रोक देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। इसके अलावा तिल के बीज में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते हैं और आपके वजन करने में, कम करने में भी बहुत वृद्धि करते हैं। इसीलिए घर में जो भी 18 प्लस हो उसको आप दे सकते हैं, ये किसी तरह से भी हार्म नहीं करेंगे आपकी बॉडी को। जिस तिल के लड्डू बनते हैं, दुकान वाले को बोलिएगा खाने वाले तिल, जिस तिल के लड्डू बनते हैं आप वो लड्डू खा सकते हैं फ्री होके, नो प्रॉब्लम। गुड़ के बने हुए होने चाहिए। अगर आपको मीठा खाने का मन है तो आप ठंड में खा सकते हैं, लेकिन नवंबर से स्टार्ट करेंगे और फरवरी तक ही खाएंगे। तो आप इसका छोटी वाली चम्मच का 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद और रात के खाने के बाद पूरी ठंड लीजिए। बहुत सारी बीमारियों से आप निजात पाएंगे, साथ ही साथ वेट ऑटोमेटिक इन जाड़ों में आपका 7 से 8 किलो जाने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि सर्दियों से इससे अच्छा वरदान और सर्दियों का इससे अच्छा कोई भी अचूक उपाय नहीं हो सकता है वेट लॉस करने के लिए, जो कि आपको बिना डाइटिंग और बिना एक्सरसाइज के मिलने वाला है। तो एक बार इस नुस्खे को जरूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ जैसा भी रिव्यू हो तुरंत शेयर करिएगा। तो वो दुकान वाले से बोलिएगा काले तिल खाने वाली, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 तरह के तिल आते हैं तो खाने वाला तिल ही आप लीजिएगा। देखा, सिर्फ एक ये छोटा सा दाना कितना बड़ा कमाल कर सकता है, यानी कि ये सिर्फ छोटी सी चीज़ और इसके बेनिफिट्स इतने बड़े बड़े हैं। बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ नवंबर से फरवरी तक लेना है, उसके बाद आप इसे नहीं लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप दीपावली होली तक ले लीजिए, उसके बाद आपको नहीं लेना है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।